असम के गुवाहाटी में बारिश से हाल बेहाल, सड़कें बनी तालाब, पानी के बीच रास्ता पार करते दिखे लोग। असम में बारिश की मार, लोगों के घरों में और दुकानों में भरा पानी, आम जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। तेलंगाना में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, उफान पर डैम, प्रशासन की बड़ी चिंता। गुजरात के वडोदरा में बारिश की मुश्किलों के बीच स्थानीय लोगों ने किया गरबा, सभी ने डांस का उठाया लुत्फ, लगातार बारिश की वजह से बुरा हाल। गुजरात के सूरत में टला बाढ़ का खतरा, हालांकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी अलर्ट, लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने वडोदरा का किया दौरा, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सफाई के लिए अधिकारियों को दिए उचित निर्देश। बारिश के बाद काशी की ड्रोन तस्वीरें आई सामने, काशी के घाट और नदियों का जलस्तर कम हुआ। स्पेन के जारागोजा में भी बरसे बादल, तो पानी के तेज बहाव के बीच फंसी कई गाड़ियां, भयानक तस्वीरें सामने आई। जापान के हिरात्सुका में भी बाढ़ आई, पानी में डूबी नजर आई गाड़ियां, स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ी। जापान के हिरात्सुका में भी बारिश से बुरा हाल, सड़कों पर जलभराव की वजह से धीमी पड़ी गाड़ियों की रफ्तार। सऊदी अरब के अल मदीना में भी तेज बारिश, पानी के बहाव में बही गाड़ियां, सड़कों पर कई फीट तक पानी भरा। मैक्सिको में भी जमकर हो रही है बारिश, ओब्रेगान में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है, तापमान में गिरावट। बहराइच में 20 दिन पहले का वीडियो आया सामने, रिहायशी इलाके में घूमता दिखा भेड़िया, अब तक कई लोगों को शिकार बना चुके हैं भेड़िए। बहराइच में आदमखोर को पकड़ने के लिए प्रशासन अलर्ट, इलाके की ड्रोन से की जा रही है निगरानी, चप्पे चप्पे पर पूरी नजर। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का आतंक जारी, वन विभाग की टीम ने भेड़िए को पकड़ने के लिए पिंजरे में बकरी और जाल बिछाया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जारी है भेड़िए का आतंक, कई गांव में देखा गया भेड़िया, गांव वालों में दहशत का माहौल। यूपी के बहराइच में घर में सो रही 2 साल की बच्ची पर जंगली जानवर ने हमला किया, बच्ची को बचाने के लिए जानवर से भिड़ा शख्स घायल हुआ। भेड़िए का शिकार हुए लोगों का अस्पताल में इलाज जारी है, बच्चे और बुजुर्ग पर भेड़िए ने किया था हमला, लोगों ने बताया आदमखोर के हमले की आपबीती। बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम, और वो दरवाजा तो नहीं खुला रहा, वो उससे झपटा और मेरे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब उसके जबड़ा जो हमारे हाथ में आया पकड़ के जब दाबे हम, तब उसने छोड़ा है। आदमखोर के बारे में बहराइच के वन विभाग सीओ अभिषेक सिंह ने दी जानकारी और कहा, 2 भेड़िए को किया गया ट्रेस, आज या कल में आदमखोरों को पकड़ लिया जाएगा। दोनों ट्रेस हुए थे, तो में भी पॉसिबिलिटी है कि आज या कल में हमारे डीएफओ सर बहुत जी जान से, पूरी टीम लगी हुई है, सीसीएफ मैडम, सीएफ सर कंटिन्यू रात में भी गश्त कर रहे थे, तो सारे लोग लगे हुए हैं, आज या कल में पकड़ा जाएगा। बहराइच भेड़िए के हमले में जान गंवाने वाले मासूमों के परिजनों से मिले कमिश्नर, तो जल्द भेड़िए को पकड़ने का आश्वासन दिया। चंपई सोरेन को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा चंपई जी को टाइगर की उपाधि मैंने नहीं बल्कि झारखंड की जनता ने दी है। टाइगर की उपाधि मैंने नहीं, झारखंड के टाइगर की उपाधि उन्हें झारखंड की जनता ने दी। झारखंड में जल्द कई जेएमएम और कांग्रेस विधायक थामेंगे बीजेपी का दामन, रिपब्लिक भारत से बातचीत में लोबिन हेब्रम का दावा, बोले झारखंड में खिसकने वाली है जेएमएम की सियासी जमीन। शिवराज सिंह चौहान ने कोलकाता कांड को लेकर ममता सरकार पर भी निशाना साधा और कहा, ममता के मन में ममता पैदा नहीं हुई, मामले को दबाने की कोशिश हो रही है। एक बेटी के साथ जो कुछ हुआ, डॉक्टर बेटी के साथ पूरा देश हिल गया, लेकिन ममता के मन में ममता पैदा हुआ। केसी त्यागी का जेडीयू प्रवक्ता पद से इस्तीफा, तो वहीं राजीव रंजन प्रसाद बनाए गए राष्ट्रीय प्रवक्ता, केसी त्यागी ने निजी कारणों की वजह से दिया इस्तीफा। आरएसएस बीजेपी के बीच के मतभेद खत्म, सूत्रों के हवाले से खबर, पलक्कड़ समन्वय बैठक में खत्म हुई दूरी, लोकसभा चुनावों के दौरान दिखी दोनों संगठनों के बीच दूरी। केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का जन आक्रोश अभियान, तो वहीं दिल्ली की झुग्गी और बस्तियों में जाकर बीजेपी गिना रही है अब सरकार की नाकामी।
और जेल में बैठा हुआ मुख्यमंत्री आप लोगों को धोखा देके बार बार ये कहता रहा कि मैं बिजली के बिल माफ कर रहा हूँ, और ये है पीने का पानी, ये है पीने का पानी। दिल्ली में एक एक बूंद पानी पीने के लिए लोगों के कत्ल हुए हैं। दिल्ली में जन आक्रोश अभियान में बीजेपी सांसद बासुरी स्वराज भी शामिल हुई, आप सरकार के खिलाफ जताई नाराजगी। 20,000 लीटर, आप ये देखिए, फ्री पानी का सपना झूठा था। फ्री पानी तो छोड़िए, साफ पानी भी दिल्ली को नसीब नहीं हो रहा। दिल्ली को फ्री पानी नहीं, साफ पानी तो दे दीजिए कम से कम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट आज आने की उम्मीद, तो वहीं रविंद्र रैना की उम्मीदवारी की भी की जाएगी घोषणा। झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती प्रक्रिया की दौड़ में 10 अभ्यर्थियों की मौत का दावा। मामले पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर सवाल उठाए, ट्वीट कर लिखा, युवाओं की जान लेने में लगे सीएम सोरेन। बीजेपी नेता सुकांता मजुमदार ने ट्वीट कर ममता सरकार पर साधा निशाना लिखा, क्या ये पश्चिम बंगाल है या फिर मिनी पाकिस्तान। जोधपुर में नाबालिग के साथ हुए अत्याचार पर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा नाबालिग के साथ हो रहे अत्याचार दुर्भाग्यपूर्ण। निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, मैंने प्रशासन से लगातार इसके लिए बात की है, इस तरह की हालात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है, प्रशासन को तुरंत इस बात पर कॉग्निजेंस लेकर के कार्रवाई करनी चाहिए। वही हरियाणा में मतदान की तारीख बदली, अब 1 अक्टूबर की जगह 5 अक्टूबर को होगी वोटिंग, तो 8 अक्टूबर को आएंगे हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे। बेंगलुरु में दिखा रफ्तार का कहर, ट्रक के नीचे आया बाइक सवार, हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया। उत्तर प्रदेश के एटा में बैंक में पैसे जमा कराने आए युवक को जालसाजों ने बनाया निशाना, 44,500 रुपए लेकर फरार हुए जालसाज, रुपए लेते सीसीटीवी में कैद हुए जालसाज। मिर्जापुर में उफनती लहरों के बीच एक बच्चे का जानलेवा स्टंट सामने आया, छलांग लगाते नजर आया बच्चा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कोलकाता हत्याकांड में सीबीआई का एक्शन तेज, सीबीआई ने पीडब्ल्यूडी को जारी किया नोटिस, तो वहीं कॉलेज में हुए कंस्ट्रक्शन को लेकर जारी किया नोटिस। बंगाल के आसनसोल में नाबालिग से छेड़छाड़ का मामला, 72 साल के बुजुर्ग पर छेड़छाड़ का आरोप, आदिवासी समुदाय के लोगों का गुस्सा फूटा, जमकर विरोध किया। बंगाल में लड़की से छेड़छाड़ को लेकर आक्रोश, लोगों ने थाने का घेराव कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की, बीजेपी ने टीएमसी नेता पर लगाया छेड़छाड़ का आरोप। दिल्ली में 11वीं के छात्र ने की खुदकुशी, पुलिस को मौके से मिला सुसाइड नोट, सुसाइड लेटर में स्कूल टीचर का जिक्र, पुलिस कर रही मामले की जांच। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का किया दौरा, तो उत्तराखंड आंदोलन के दौरान शहीद राज्य आंदोलनकारी स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में हुए शामिल। मध्य प्रदेश के दमोह में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव, सम्मेलन किया गया स्थगित, उच्च न्यायालय में लगाई गई याचिका के चलते निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में हादसा, 12 साल के बच्चे के हाथ में फटा मोबाइल, तो वहीं चोटिल हुआ बच्चा, इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। पठानकोट में 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग का मामला, फिरौती में मांगे 2 करोड़ रुपए, पुलिस ने 2 आरोपियों को अरेस्ट किया, किडनैपिंग का मास्टरमाइंड निकला हिमाचल का पूर्व बीएसएफ कांस्टेबल। बिहार के बक्सर में एक घर में चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़, तो वही मामले में पुलिस ने 7 लोगों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री भी बरामद। यूपी के उन्नाव में डिप्टी डायरेक्टर की तलाश जारी, अधिकारी की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, गंगा नदी में डूबने के बाद से लापता। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बुर्का पहनकर मुस्लिम लड़के से कोर्ट मैरिज करने पहुंची हिंदू लड़की, मौके पर स्थानीय लोगों ने जमकर किया बवाल। ग्रेटर नोएडा पुलिस और चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश घायल हुए, लूट की चेन पुलिस ने बरामद की। यूपी के अंबेडकर नगर में टीचर ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों का रो रोकर बुरा हाल, पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 5 टप्पेबाजों को गिरफ्तार किया, 80,000 रुपए, बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। बुलंदशहर में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, तो वहीं हनी ट्रैप में फंसाकर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया। यूपी के बदायूं में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 चोर, पुलिस ने चोरी के ट्रैक्टर के साथ 4 चोरों को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुआ हादसा, काम से लौटते वक्त सड़क हादसे में कस्टम हवलदार की मौत, तो वहीं पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। वेस्ट बैंक में जंग के दौरान 2 इजरायली सैनिक घायल हुए, हेलीकॉप्टर के जरिए लिफ्ट कर जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया।
टेल अभी में बड़ी संख्या में बंधक की रिहाई के लिए प्रदर्शन, साप्ताहिक रैली से भारी संख्या में एकजुट हुए समर्थक। वेस्ट बैंक में एंट्री के दौरान रोकी गई दो वैन, तलाशी के दौरान दोनों वाहनों में मिले विस्फोटक और हथियार, वैन को इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया। रूस ने बिजली संयंत्र पर कथित तौर पर यूक्रेनी ड्रोन हमले की रिपोर्ट दी, स्थानीय लोगों के मुताबिक कई किलोमीटर तक हुआ था हमला। गाजा के राफा में 6 बंधकों की मौत की पुष्टि, हमास के टनल में मिली बंधकों की लाश, मरने वालों में एक अमेरिकी नागरिक भी शामिल। अमेरिकी बंधकों की हत्या से भड़के बाइडेन, हमास को गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी, रफा में हमास आतंकियों ने की थी 6 बंधकों की हत्या। सैन फ्रांसिस्को में गोलीबारी की घटना, डकैती की कोशिश में खिलाड़ी रिकी पियर्सल को गोली मारी गई। अमेरिका के ओरेगॉन में घर से टकराकर विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे की वजह से इलाके में गुल हुई बिजली, फिलहाल किसी की मौत की कोई खबर नहीं। चीन ने फिलीपींस के साथ फिर बढ़ाया तनाव, समुद्र में जहाज को मारी टक्कर, दोनों का एक दूसरे पर बड़ा आरोप। अमेरिका के मिसिसिपी में बस पलटने से 7 लोगों की मौत हुई है, कई लोगों के घायल होने की खबर है, घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।